हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि स्प्रिंग मास सिस्टम पर जो ऑसिलेशन में केसेस होते हैं उनको डिस्कस किया जाए, तो चलिए आज हम उसी पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसकी जितनी भी वैराइटीज़ हैं वो हम यहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझो, मेनली हमें टाइम पीरियड पर बात करनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बच्चों ये समझो कि अगर अपने पास यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है और इससे हमने क्या किया, एक मास को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक स्प्रिंग से हमने एक मास को कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास कितना है, एम। तो बच्चों आपको पता है कि अगर मैं इस मास को, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ या इस मास को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ और डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूँ, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, SHM। अच्छा बच्चों, जितना आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, मतलब जिस पॉइंट से आप इसको रिलीज करते हो वहां पर स्पीड कितनी होती है, जीरो। जैसे मान लीजिए आपने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके यहां से रिलीज किया, तो जिस पॉइंट से रिलीज करते हो बच्चों वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाता है, यानी कि ए, ठीक है। यानी कि ये ए एम्पलीट्यूड, जितना आप रिलीज करके छोड़ोगे वही इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने इसको x नॉट डिस्टेंस रिलीज करके छोड़ा, तो ये जो x नॉट होगा वही इसका क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो बच्चों आपको इसमें ये याद रखना है कि इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π√m/k, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सही तो हमें आता है, ठीक है, इसमें जरा छोटी छोटी बातें समझना। सबसे पहले बच्चों यहां पर k क्या है, k यहां पर है फोर्स कॉन्स्टेंट, इसी को यहां पर हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और m यहां पर क्या है, ये बच्चों वो मास है जो यहां पर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। और k क्या है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है जो उसको ऑसिलेट करा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझो कि अगर मैं यहां पर इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दूं, यानी कि इस तरह से, तो क्या चेंजेस आएंगे जरा ये समझो। मान लीजिए मैंने यहां से इसको रिलीज कर दिया और ये बच्चों इसकी सपोज नेचुरल लेंथ है L नॉट, ये यहां पर क्या है इसकी नेचुरल लेंथ है L नॉट। बच्चों आपको पता है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो किसी तरह का कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करती है, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो किसी तरह का कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करती है। लेकिन आपको पता है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस होगा, सपोज x नॉट डिस्प्लेस हो गया और यहां पर पहुंच के फिर से एक इक्विलिब्रियम, ये तो नेचुरल कंडीशन थी बच्चों, यहां पर जाके कहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा। मैं आपको बता दूं यहां पर कि जिस पॉइंट पर बच्चों इक्विलिब्रियम होगा उस पॉइंट पर तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। यानी अगर आप देखो तो यहां पर इक्विलिब्रियम कहां था, जहां पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, यानी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जैसे ही हमने सिस्टम को वर्टिकल किया, वर्टिकल करने से क्या हुआ कि ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई। हाँ, यहां पर बच्चों इक्विलिब्रियम मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर kx नॉट का फोर्स होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बच्चों क्या होगा, ये kx नॉट mg से बैलेंस हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में देखें तो हम यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो गई है, चेंज हो गई है, यानी कि देयर इज अ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, तो मैं आपको बताऊं यहां पर टाइम पीरियड बच्चों किसी तरह से कोई भी टाइम पीरियड में चेंज नहीं होगा, यानी टाइम पीरियड यहां पर उतना ही रहेगा 2π√m/k, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दे सकता हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल है, वो ये है कि बच्चों स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर, ध्यान से समझना, स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर अगर कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स है, स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स है, कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जो SHM के ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंट रहने वाला हो, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा फोर्स जो SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहने वाला हो वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। फिर से सुनो क्या है, SHM के ड्यूरेशन में अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो वो टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकता, वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि बच्चों अगर अपने पास सिस्टम कैसा है, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्पेशली मैं इसी की बात कर रहा हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम की, और बच्चों स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स है ना, यानी कि एक ऐसा फोर्स, फोर्स जो कि कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग SHM, ड्यूरिंग SHM, यानी कि अगर कोई फोर्स ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है तो ध्यान देना इस सिचुएशन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा
रिमेन सेम रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, यानी टाइम पीरियड बच्चों 2π√m/k रहेगा। क्या मेरी बात यह समझ में आ रही है? बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग SHM अगर कोई कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, ड्यूरिंग SHM अगर कोई फोर्स चेंज नहीं होता है तो वो SHM के टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं करता बच्चों? ये सारी बहुत डिटेल की बातें हैं, इस पे जाएंगे तो शायद ये लेक्चर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताऊं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई आपको कि बच्चों अगर कोई फोर्स SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट है तो उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो आप यहां पर देखो हुआ क्या, जब हम इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करते हैं तो बच्चों उस पर क्या हुआ, एक mg का फोर्स आ गया। लेकिन आप जानते हो ये जो mg का फोर्स है ये SHM के ड्यूरेशन में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है एक्सटर्नली, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने कहा कि भाई एक सिस्टम लीजिए जिसमें स्प्रिंग हो, मास हो, इस तरह का, ठीक है, इसे इन्होंने बोला सिस्टम वन। और फिर इन्होंने कहा, क्या बोला, कि अगर हम स्प्रिंग और मास, और इन्होंने बोला कि मास m, अगर हम इस पर कोई चार्ज q रख दें और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ये सेकेंड सिस्टम था। ठीक है बच्चों, जरा कंपेयर करना, इन्होंने बोला कि जब फर्स्ट से सेकेंड में जाएंगे, ठीक है, तो क्या चीज चेंज होगी और क्या चेंज नहीं होगी। मेनली दो बातों पर इन्होंने डिस्कशन किया है, एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या शिफ्ट होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी, और दूसरा क्या टाइम पीरियड चेंज होगा। पहला बच्चों, अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, ठीक है, अब आप मुझे लगता है ये चीज समझ गए होगे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो बच्चों चेंज हो गई थी, यहां पर mg आपने लगाया। एक बड़ी कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि आप कोई भी फोर्स लगाओगे उस फोर्स की वजह से ब्लॉक डिस्टर्ब तो होगा ना, अपनी पोजीशन तो छोड़ेगा ना, बात समझ में आ गई। और फिर उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत स्प्रिंग एक्स्ट्रा एलोंगेट होगी, एक्स्ट्रा कॉम्प्रेस होगी, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। देखो यहां पर क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए पहले स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, एल नॉट में थी, तब ये बच्चों अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, क्योंकि ना इस पे कोई फोर्स लग रहा था तो स्प्रिंग को भी कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा, ये इक्विलिब्रियम में था। लेकिन बच्चों जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इस पे चार्ज आपने क्यों रख दिया, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो बच्चों ये अपनी पोजीशन से मान लो यहां पर आ गया, तो इस पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, क्यू इंटू ई। तो उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों स्प्रिंग को यहां पर क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलोंगेट करना होगा एक्स नॉट, तब जाके स्प्रिंग क्या करेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी के एक्स नॉट का। और अब जाके हम बोलेंगे कि अब बच्चों इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, जब के एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक बार बिल्कुल क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर बच्चों पहले से शिफ्ट हो गई है ना, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, शिफ्ट होगा, चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, अब बच्चों पूछा था इन्होंने क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया ना वो आपको बहुत काम आने वाला है यहां पर। क्या, जो यहां पर QE का फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो QE का फोर्स है, ये मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट रहने वाला है ड्यूरिंग SHM। ये जो QE का फोर्स है ये SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहने वाला है, ये जो QE का फोर्स है ड्यूरिंग SHM चेंज नहीं होगा, जब तक ये ब्लॉक इधर जाए भाई, यहां पर रहेगा तो भी QE, यहां पर रहेगा तो भी QE, यहां पर रहेगा तो भी QE, तो ड्यूरिंग SHM ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है स्प्रिंग मास सिस्टम पर तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, यानी कि इसमें नो चेंज होगा। मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड बच्चों पहले था 2π√m/k, वही टाइम पीरियड यहां पर भी होगा 2π√m/k, तुम दोनों केस में बोल सकते हैं कि सेम टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। समझ गए, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि कभी भी स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हो और कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो जाए बाहर से जो SHM के ड्यूरेशन में चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो वो स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और उस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगला एप्लीकेशन बच्चों उसका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक लिफ्ट है, ध्यान से समझना, एक यहां पर लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है ए से, और यहां पर बच्चों क्या है अपने पास, एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है के, और यहां पर मास क्या है एम। ठीक है,
अब जो बहुत सारी चीजें हैं है ना, मतलब आपको एक बात याद रखना है, फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कोई भी केस आपके सामने आता है, आप ये देखो आपसे पूछा क्या है और जो चीज आपसे पूछी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, बजाय इसके कि आप पूरा केस डिस्कस करने लगे। अब जनरली बच्चों से गलती क्या होती है, मान लीजिए लिफ्ट आई, स्प्रिंग आई, ये सब देखा तो उनके दिमाग में जितनी चीजें उन्होंने इसकी पढ़ रखी होती है सब आ जाता है कि इसमें एनर्जी भी लगा दें, मोमेंटम भी लगा दें, स्यूडो फोर्स भी लगा दें, ठीक है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लगा जाते हैं, है ना, फ्रेम चेंज कर डालते हैं। आप यहां पर समझना क्या पूछा गया है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगे, है ना, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, और अगर चेंज होगी तो क्या टाइम पीरियड भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो 100% मान के चलो चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या कोई, भाई जैसे ही कोई अलग से फोर्स लगाओगे, आप ऐसा समझो एक नॉर्मल सिस्टम है, कुछ भी बाहर से फोर्स लगाओगे तो जब नया कोई फोर्स ऐड होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई अलग से फोर्स आना चाहिए ना, उसके लिए स्प्रिंग को थोड़ा बहुत एलोंगेट या कॉम्प्रेस होना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज होगी। ठीक है, मैं मेनली बात कर रहा हूं टाइम पीरियड पे। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के देखूं, क्योंकि SHM या ऑसिलेशन जो होगा वो कहां से देखने पर आएगा, लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तब SHM या ऑसिलेशन होगा, जब आप लिफ्ट के अंदर बैठोगे तब पता चलेगा कि भाई SHM हो रहा है या ऑसिलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। तो लिफ्ट के अंदर बैठ के देखें तो बच्चों यहां पर देखो, इस पर एक नया फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स, स्यूडो, ठीक है, स्यूडो आया, इस पर एक स्यूडो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में MA का। अब मैं बहुत ज्यादा बात आपसे स्यूडो पर नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, इसका आइडिया आपको होगा। तो यहां पर जैसे ही लिफ्ट के अंदर बैठे इस पर एक लग गया स्यूडो, ठीक है, आपको पता है ये ऊपर जा रही तो स्यूडो नीचे लगेगा। क्या बच्चों ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, बिल्कुल है। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल है। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स SHM के ड्यूरेशन में चेंज होगा, सोचो मान लो ब्लॉक इस तरह से ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मान लो ये SHM कर रहा है, क्या ये फोर्स SHM के ड्यूरेशन में चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, और बच्चों का लिफ्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये स्यूडो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बच्चों अगर कोई फोर्स स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगे और SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहे तो वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता, यानी कि यहां पर भी जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा, तो 2π√M/k, ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेट कर जाए तो भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम इसको फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में डाल दें, मतलब कि लिफ्ट नीचे जी से आ रही हो और बच्चों यहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम को छोड़ दिया जाए KM, क्या होगा बताओ, क्या यहां पर टाइम पीरियड चेंज होगा, फिर से देखो फिर से समझो, क्या एक्स्ट्रा आया कि जब ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर बच्चों बैठ के देखोगे तो फिर से यहां से समझना जरा, यहां पर एक क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स, है ना, ऊपर की ओर क्या आएगा, MG का एक स्यूडो आएगा। बच्चों एक बात बताओ, ये जो स्यूडो आया है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहने वाला है, तो अगर कोई फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है, एक्सटर्नल है, स्प्रिंग मास सिस्टम पे लग रहा है, कांस्टेंट रहेगा तो वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता है, यानी यहां पर भी टाइम पीरियड बच्चों 2π√M/k ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये ग्रेविटी की वजह से थोड़ी ना SHM करता है, ये SHM करता है स्प्रिंग की वजह से, तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों भले ही इसके अंदर जी इफेक्टिव जीरो है लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड 2π√M/k रहेगा। ठीक बच्चों, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम लें, ठीक, और एक स्प्रिंग मास सिस्टम लें, ध्यान से समझना, मान लीजिए बोला गया कि भाई पहले हम कहां पर थे, अर्थ पे थे, ठीक है, ये कई बार आपने क्वेश्चन सुना होगा देखा होगा, और फिर हम चले गए मून पर, अर्थ से कहां पर चले गए, मून पर। और बच्चों हमारे पास मान लीजिए क्लॉक है, दो तरह की क्लॉक है, ठीक है, एक है क्लॉक वन, ठीक है, क्लॉक वन, और एक बच्चों अपने पास है क्लॉक टू। तो यहां पर बोला गया है कि जो क्लॉक वन है वो स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है, ये जो क्लॉक वन है वो क्या है, स्प्रिंग बेस्ड है, ये क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है, और जो क्लॉक टू है वो बच्चों सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, सिंपल पेंडुलम पर। ठीक, सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लॉक वन स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है, क्लॉक टू सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है। बोला गया अगर इन दोनों क्लॉक को बच्चों हम कहां पर लेके जाएं, मून पर लेके जाएं। आपको पता है कि मून पर जाएंगे तो g g/6 हो जाएगा, मतलब जो यहां पर g है यहां पर g/6 हो जाएगा। ठीक, तो पूछा जाता है
कि किसका टाइम मेजर करने का जो यहाँ पर इंटरवल है या जो टाइम मेजरमेंट है या फिर किसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं जी इफेक्टिव चेंज हो रहा है। और बच्चों जी इफेक्टिव चेंज होना मतलब क्या होना, कि जब अर्थ पे थे, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जब आपने स्प्रिंग मास सिस्टम को अर्थ पे रखा था, तो बच्चों अर्थ पे जब स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग ऐसे 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 जंप कर रही थी, उस टाइम पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा था, एमजी, एक्सटर्नल फोर्स था ना, बिल्कुल था। और ड्यूरिंग SHM ये हमेशा mg था, मतलब कांस्टेंट फोर्स था, तो भी इसका टाइम पीरियड क्या था, 2π√m/k, है ना। और बच्चों अगर हम इसी को मून पे लेके चले गए तो अब mg की जगह mg/6 हो गया। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, इसमें वो उसी स्टेटमेंट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि फोर्स अगर ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है, कई बच्चे कहते हैं सर हम यहां से यहां पर गए तो एक्सटर्नल फोर्स पहले mg था, mg/6 हो गया, एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स mg है, मैंने क्या बोला, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है तो स्प्रिंग मास सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टाइम पीरियड पे। तो यहां पर देखो ड्यूरिंग SHM, जब तक ये अर्थ पे SHM कर, अब ऐसा थोड़ी ना अर्थ से मून तक SHM करता है, ऐसा तो है ना कि यहां से आपने खींच के मून तक लेकर वहां से छोड़ा तो अर्थ पे आता है फिर मून पे जाता है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि बच्चों जब तक ये अर्थ पे SHM करता रहेगा तब तक इस पर mg लगेगा, तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है। तो अगर कोई फोर्स ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड 2π√m/k। यहां देखो जब ये मून पे SHM करेगा तो मून पर जब तक SHM करेगा तब तक हम क्या बोलेंगे यहां पर कि फोर्स कितना है, mg/6 है। तो जब तक ये मून पर SHM करता रहेगा mg/6 लगेगा, यानी ये mg/6 या g/6 कांस्टेंट है कि नहीं, ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है। तो ड्यूरिंग SHM कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड यहां भी बच्चों कितना होगा, 2π√m/k। यानी कि अगर आप अर्थ से मून पर गए तो टाइम पीरियड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, किसके टाइम पीरियड में चेंज नहीं आया, स्प्रिंग मास सिस्टम के। बच्चों सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, इसकी बात हम लोग कभी आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो जी पर डिपेंड करता है, जी इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल पेंडुलम पर डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर कहेंगे जो क्लॉक वन है इसका टाइम मेजर करने का जो तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लॉक वन किस पर बेस्ड है, स्प्रिंग मास सिस्टम पर, और स्प्रिंग मास सिस्टम पे बेस्ड है तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो यहां था वही यहां रहेगा, तो यहां पर किसी तरह का कोई चेंज क्लॉक वन के लिए नहीं आएगा, टू में आ जाएगा, क्योंकि टू किस पर डिपेंड कर रही है, सिंपल पेंडुलम पे। ठीक, पहले आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सपोज मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को किसी इंक्लाइन प्लेन पर रख के SHM कराऊं, ठीक है, जरा बात समझिएगा। यहां पर मान लीजिए कि अपने पास बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है, और यहां पर अपने पास क्या है, ये स्प्रिंग हो गई, इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया, यहां से एक ब्लॉक, और बच्चों इसको हम इस तरह से SHM करा रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पर ऐसे SHM करा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये SHM करता है इस लाइन पर, इस इंक्लाइन प्लेन पर, तो क्या इसका टाइम पीरियड 2π√m/k होगा या फिर चेंज हो जाएगा। फिर से वही छोटी सी बात, बिल्कुल बेसिक लेवल पर बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या मैंने बताया, सबसे पहले चेक करो क्या SHM के ड्यूरेशन में इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि बच्चों इस पर एक इस डायरेक्शन में mg sin θ का एक नया फोर्स आया है, बात समझ में आ रही है, यहां पर mg sin θ का एक फोर्स आया है इस डायरेक्शन में, ठीक। जैसे वर्टिकल करते तो क्या आता है mg, अगर इंक्लाइन किया है तो क्या आएगा mg sin θ। तो बच्चों ये जो mg sin θ का इस पर एक नया फोर्स अप्लाई हुआ है, फिर से ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग SHM वो फोर्स कांस्टेंट है, ड्यूरिंग SHM वो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि बच्चों क्योंकि ड्यूरिंग SHM ये mg sin θ कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी टाइम पीरियड 2π√m/k रहने वाला है। आई थिंक अब आपको वो सारे केस समझ में आ गए होंगे जहां पर इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हर वो केस जहां पर SHM के ड्यूरेशन में कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना टाइम पीरियड तो 2π√m/k रहने वाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर बच्चों स्प्रिंग है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो स्प्रिंग है ये इस ब्लॉक से अटैच नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है, बात समझना, ये इससे कोई बाइंड अप नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बस ये देखो ये स्प्रिंग अलग है, ये ब्लॉक अलग है,
और यहाँ पर इसका कांस्टेंट के हो गया और यहाँ पर ब्लॉक का मास m हो गया। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर l है और ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों यहाँ पर l है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस ब्लॉक को ठीक क्या करूं, इस स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश करूं, जैसे स्प्रिंग है ये ब्लॉक है तो इसको मैं क्या करूं ऐसे पुश करूं, मतलब देखो इसके बीच में कोई अटैच नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है एक दूसरे से, अटैच नहीं है। ठीक, हाँ हम चाहें तो इसको पुश करेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। तो बच्चों मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में एक्स नॉट पुश करूंगा और रिलीज कर दूंगा, मतलब यहां तक पुश करूंगा और फिर यहां से इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे पुश किया और फिर छोड़ दिया। तो बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि अगर मैं इसको ऐसे पुश करके और यहां से छोड़ दूं तो इसका जो मोशन होगा, पहला कि इसका जो यहां पर मोशन होगा, मैं आपको बता दूं जब भी ये ब्लॉक इस वॉल से कोलाइड करेगा इसका कोलिजन इलास्टिक होगा, इलास्टिक कोलिजन। ये कई बार क्वेश्चन हो सकता है आपने अलग अलग बुक्स में देखा हो कि जब भी ये ब्लॉक इस वॉल से कोलाइड करेगा इसका कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक, तो बच्चों यहां पर पहले तो ये पूछा गया है कि इसका जो मोशन है क्या वो ऑसिलेशन है या फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहला तो ये पूछा गया इसका मोशन ऑसिलेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना कि बच्चों जैसे ही आपने इसको पुश करके छोड़ा, ठीक है सुनना क्या होगा कि जब तक ये ब्लॉक स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में रहेगा, जब तक ये ब्लॉक स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में रहते हुए मोशन करेगा, स्प्रिंग लगातार इस पर एक फोर्स लगाएगी माइनस के एक्स का, और माइनस के एक्स का फोर्स बच्चों SHM को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब तक ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ रहेगा, जब तक ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ रहेगा इसका मोशन SHM होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक, सोचो यहां तक आपने कॉम्प्रेस किया तो यहां गया फिर वापस आया, लेकिन इसके बाद जब कुछ स्पीड आ गई तो जब ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग के साथ इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और जब बच्चों स्प्रिंग के साथ इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा तो जब ये इस इधर मूव कर रहा होगा, मान लो इधर आया फिर वापस गया, तो इस मोशन के लिए हम क्या बोलेंगे, इस पर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, ये स्प्रिंग से कॉन्टैक्ट छूट चुका है, अब ये फ्री घूम रहा है, तो जब ये फ्री घूम रहा है तो इस पर फोर्स कितना हो गया, जीरो। बच्चों इस रीजन में तो कोई फोर्स नहीं होगा ना, इस रीजन में उधर स्प्रिंग का फोर्स है, इधर तो कोई फोर्स नहीं है। और जब बच्चों बिना फोर्स के मोशन होता है तो उसको SHM नहीं कह सकते, क्योंकि SHM वो है जिसमें फोर्स होता है माइनस के एक्स का। यानी कि SHM तो नहीं है, SHM तो नहीं है, ऑसिलेशन जरूर कह सकते हो। ठीक है, सोचो क्या ऑसिलेशन कह सकते हो, SHM तो नहीं है, क्या ऑसिलेशन कह सकते हो, ऑसिलेशन के बारे में सोचो। और अगर ऑसिलेशन भी नहीं है तो तीसरा आता है बच्चों, क्या ये पीरियोडिक हो सकता है, मैं सारी चीजों पे एक-एक करके डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, SHM नहीं है, अब किस पर हम बात करते हैं, ऑसिलेशन, कि ऑसिलेशन कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, या पीरियोडिक कह सकते हो कि नहीं। तो अब बात करते हैं ऑसिलेशन पे, अब ध्यान से सुनना, SHM की बच्चों कंडीशन क्या थी कि फोर्स क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स होना चाहिए। तो हमने कहा भाई हमेशा इस पर माइनस के एक्स का फोर्स नहीं, इसलिए SHM तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, चलो ऑसिलेशन पे आते हैं, ऑसिलेशन कह सकते हो, सोचो बच्चों ऑसिलेशन की कंडीशन थी, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, ऑसिलेशन की कंडीशन है माइनस के एक्स पावर एन, वेयर एन इज अ ऑड नंबर, एन यहां पर क्या है, ऑड नंबर है। ऑसिलेशन तभी हो सकता है जब किस तरह का फोर्स हो, माइनस के एक्स पावर एन, और एन क्या होता है, एक ऑड नंबर, मतलब कि माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स पावर 5, माइनस के एक्स पावर 7, माइनस के एक्स पावर 9, यानी ऑड होना चाहिए। यानी बिना फोर्स के तो ऑसिलेशन भी नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर तो फोर्स नहीं है तो ऑसिलेशन भी नहीं है। क्या बच्चों पीरियोडिक है, मैं आपको बता दूं पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल में खुद को रिपीट करे। पीरियोडिक की केवल एक ही शर्त है, पीरियोडिक कहता है कि अगर कोई खुद को रिपीट करता है, फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट करता है, चाहे वो फोर्स से रिपीट करे चाहे बिना फोर्स के रिपीट करे। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, कोई भाई ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन होना, और इसमें भी फोर्स होना चाहिए। ठीक है, हाँ उस फोर्स की कंडीशन SHM जिस पर हम इस पर बात कर सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो हम SHM पे बात कर लेते हैं, बट ऑसिलेशन और SHM दोनों ही यहाँ पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों पीरियोडिक मोशन पे अगर हम बात करें, ठीक है पीरियोडिक मोशन पे, ठीक वैसे ऑसिलेशन को और भी डिटेल में देखा जा सकता है, इस पर और तरह के अलग अलग तरह के फोर्स आ सकते हैं। मेनली क्या है बच्चों, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट या मेन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें, ठीक है तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मेनली खुद को क्या करना, रिपीट करना। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या है, रिपीट करना, खुद को मोशन को रिपीट करना, वो भी फिक्स टाइम इंटरवल में। तो जरा इस मोशन को समझना कि पीरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, देखो
देखो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पर क्या है अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग से हमने क्या किया ब्लॉक को अटैच किया। ध्यान देना यहां पर फिक्स नहीं किया ब्लॉक से, जस्ट कॉन्टेक्ट में था जब तक इधर जाएगा। तो पहले बात तो ये समझो यहां से इधर जाना और फिर वापस आना, यहां तक तो स्प्रिंग के कॉन्टेक्ट में अच्छा, लेकिन बच्चों जब ये इधर आएगा कोलाइड करके ये वापस जाएगा, ठीक है, जब ये इधर आएगा कोलाइड करके वापस जाएगा, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि भाई हमने एक्स नॉट इसको कॉम्प्रेस किया है, ठीक है। तो बच्चों ये पहले तो इधर जाके वापस आए, पहले तो बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो इधर जाना वापस आना इसको बोलोगे हाफ SHM, फिर इधर जाके वापस आता तो ये फुल SHM होता, ये हाफ SHM है। तो मतलब बच्चों यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k, यही तो होता है ना। तो केवल यहां से यहां तक जाना मतलब हाफ SHM, यानी कि इसका भी हाफ टाइम लगेगा। तो इसमें जो टाइम लगा वो इतना लगा, मतलब कितना लगा, π√m/k, π√m/k। अब मेन हमें फाइंड करना है इधर कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों एक बात समझो, यहां पर l डिस्टेंस जाना और फिर l डिस्टेंस वापस आना, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना, 2l। 2l के डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल हो रही, मान लो एक ब्लॉक v0 की स्पीड से चल रहा है, तो बच्चों यहां पर कितना टाइम लगेगा, 2l/v0। अब मेनली v0 फाइंड कर लो तो सॉल्व हो गया। v0 कैसे फाइंड करोगे, बताओ आपने कितना इसको कॉम्प्रेस किया, x0। तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ गई होगी, हाफ के x0 square। ये एनर्जी पूरी की पूरी जब ये ब्लॉक यहां पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हाफ है v0 square। तो बच्चों यहां से देखो हाफ से हाफ गया, v0 कितना आ जाएगा, x0√k/m, ठीक है, इसको आप a ओमेगा भी समझ सकते हो। तो ये स्पीड आ गई। तो बच्चों फाइनली देखो जो टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन होगा, जो पीरियोडिक मोशन है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो एक तो है 2l/v0, और v0 की जगह कितना रख सकते हैं, x0√k/m, ये हमने रख दिया, प्लस यहां पर कितना है, π√m/k। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा कि इधर इतना टाइम लगा, इधर इतना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टाइम आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आप बच्चों इस मोशन को क्या बोलोगे, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ये कैसा है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बार बार खुद को रिपीट कर रहा है ना, वो भी तब जब इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि v0 स्पीड से जाएगा तो टकरा के v0 स्पीड से ही वापस आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको ऑसिलेशन या SHM की कैटेगरी में मत रखो, ठीक, नोट करो उसको। अब बच्चों यहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको स्प्रिंग मास से रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि सपोज मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पर एक अपने पास क्या है, स्प्रिंग है और इससे एक मास कनेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां पर मास है, ये स्प्रिंग है, ये सब। अब इसमें क्या बोला गया कि यहां पर बच्चों इनिशियली अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो सपोज कितना था, 2 सेकंड था। टाइम पीरियड कितना था बच्चों, 2 सेकंड था, ठीक है, और उस टाइम पर मास कितना था, एम था, ठीक है। अब बच्चों बोला गया कि अगर हम इस मास को, ध्यान से समझना, अगर हम इस मास को यहां पर 1 किलोग्राम से इंक्रीज कर दें, मास को कितना इंक्रीज कर दें, 1 किलोग्राम से, तो यहां पर देखा जाता है बच्चों की जो न्यू टाइम पीरियड है, यानी कि फाइनल टाइम पीरियड जो है, ठीक है, वो यहां पर बच्चों क्या हो गया, सपोज ये 4 सेकंड हो गया, ठीक है। तो आपसे यहां पर पूछा गया बच्चों कि मास कितना रहा होगा, इनिशियली मास कितना रहा होगा कि अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो है के, के में किसी तरह का आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो बच्चों हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2π√m/k। तो यहां पर अगर आप देखो तो टाइम पीरियड बच्चों किसके प्रोपोर्शनल हो गया, √m/k। अब बच्चों टाइम पीरियड अगर √m/k प्रोपोर्शनल हो गया तो t1/t2 क्या लिख सकते हो, √m1/m2। यानी कि बच्चों इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड, फाइनल टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड, और बच्चों यहां पर कितना हुआ, इनिशियल मास कितना था, m, और फाइनल मास कितना है, m+1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब बच्चों यहां पर देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2, और यहां पर क्या है, √m/m+1। अब बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1/4, और ये हो गया m/m+1, ठीक। अब बच्चों अगर हम इसको क्या करें, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, m+1 = 4m, तो यही तो आएगा, यहां पर लेके आओ ये कितना हो गया m+1, ये कितना हो गया 4m। तो यहां से अगर आप देखो तो 3m किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, या m कितना आ गया बच्चों यहां पर, 1/3 kg, यानी इनिशियल मास कितना रहा होगा, 1/3 kg, और फिर हमने क्या किया, जब मास को हमने 1 किलोग्राम से बढ़ाया तो मास कितना हो गया, 4/3 हो गया। अब जब बच्चों ये 4/3 हो गया तो उसका रूट लोगे 4/3 का, उससे रिलेटेड यहां पर आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है।
मतलब डायरेक्ट आपको यहां पर यूज करना है कि भाई पहले टाइम पीरियड इतना था, फिर टाइम पीरियड इतना, मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट एम। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सोचो अगर मास बच्चों पहले कितना था, 1/3 था, अगर इसको मैं 1 kg इंक्रीज कर दूं तो कितना हो गया, ये 4/3 हो गया। ठीक है, तो अगर बच्चों ध्यान से देखो तो मास 1/3 से 4/3, ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, मास कितने टाइम्स हुआ, 4 times हुआ। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, 1/3 से 4/3 होना मतलब कितने टाइम्स हुआ, 4 times। तो बच्चों अगर मास 4 times हुआ है तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर √4 times, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √√ of mass, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को समझ के चलनी है, इसीलिए बच्चों 2 से क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल, अब इस तरह के बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, है ना। और आपको क्या करना है, जितना भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है आपको, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। और एक दो बातें और है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम बड़ा परेशान चल रहे हैं, मतलब कि पढ़ भी रहे हैं और इफेक्टिवली उनकी पढ़ाई नहीं भी हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे यही कहूँगा कि आप ये देखो कि 2 तरह की मेन पढ़ाई है। ठीक है, अगर बच्चों आप नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब आपकी पढ़ाई का मोड क्या होना चाहिए, और 2021 के लिए पढ़ रहे हो, 2 के लिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई का मोड क्या होना चाहिए। अगर आप 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तब तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको देखिए, जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसको करिए, ठीक है, ऐप पर पढ़ रहे हैं उस पर पढ़िए, उसके बाद अच्छे से उसके न्यूमेरिकल्स करिए, जो असाइनमेंट है शीट है प्रॉपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, 21 के लिए। लेकिन बच्चों अगर 20 के लिए कर रहे हैं आप तैयारी, तो थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए, और तैयारी का मोड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दें। ठीक है, अगर आप 20 के लिए कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन जो बचा हुआ टाइम है उसमें कर पाएं। ठीक है, वैसे भी टाइम थोड़ा सा आपको बच्चों यहाँ पर मिल ही गया, ज़्यादा जो टाइम होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल गया, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो, अब ऐसा नहीं कि टाइम मिल गया तो आप थ्योरी में लग गए, क्योंकि बच्चों इतना टाइम नहीं है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के आप अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर से उसी मोड में नहीं आना है कि बिल्कुल आप, है ना, 2-2, 3-3 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, तो इतना नहीं चलेगा। आपके पास बच्चों जो टाइम है उसमें मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। बात समझ में आ गई, 2020 वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। बट अगर आपका टारगेट 21 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत आराम से रिलैक्स होकर डेली थ्योरी, नोट्स, लेक्चर जो भी अटेंड कर रहे हैं, फिर असाइनमेंट, फिर प्रॉपर, बिल्कुल जैसे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। लेकिन जो 20 वाले बच्चे हैं उनको एक एक सेट लेना चाहिए, एक एक पेपर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तरह तरह के क्वेश्चंस देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के आप यहाँ पर मतलब इंट्रोड्यूस हो जाओ कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ें, मेहनत करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।